हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तुषार बब्बर। स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जल्द ही मारुति सुजुकी टोयोटा के साथ मिलकर अपनी 7 सीटर SUV को भारत में लॉन्च करेगा। मारुति सुजुकी की SUV टाटा की ग्रेविटास, MG की हेक्टर, टोयोटा की इनोवा और महिंद्रा की XUV500 जैसी शानदार 7 सीटर SUV कारों को कड़ा मुकाबला पेश करेगी। मारुति सुजुकी की 7 सीटर SUV 2021 के सेकेंड हाफ में भारत में लॉन्च हो सकती है। मैं आपको बता दूं, मारुति और टोयोटा की पार्टनरशिप से भारत में टोयोटा की ग्लेंजा, टोयोटा की अर्बन क्रूज़र और इंटरनेशनल मार्केट में सुजुकी की एक्रॉस और सुजुकी की स्वेस को देख चुके हैं और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मारुति और टोयोटा मिलकर भारत में एक 7 सीटर SUV लॉन्च करने वाले हैं। अगर हम इस 7 सीटर SUV की एक्सटीरियर की बात करें तो इसकी लंबाई 4.6 मीटर के करीब होने वाली है और इसमें आपको 2.75 मीटर के करीब व्हील बेस मिलेगा। R16 और R17 इंच के अलॉय व्हील्स के ऑप्शन, सुजुकी की बैजिंग के साथ नए डिज़ाइन की अट्रैक्टिव फ्रंट ग्रिल, नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नए DRLs, नए डिज़ाइन के फोग लैम्प्स, फ्रंट एंड रियर स्कफ प्लेट्स, रूफ रेल्स, ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स, रियर स्पॉयलर, नए डिज़ाइन की टेल लाइट्स, डुअल टोन और मोल्टोन कलर के ऑप्शन, क्रोम डोर हैंडल्स जैसे शानदार फीचर मारुति सुजुकी की ये 7 सीटर SUV में आपको मिलने वाले हैं। भारत में लॉन्च होने वाली मारुति सुजुकी की 7 सीटर SUV में आपको 1.4 लीटर का बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 140 BHP के करीब पावर प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ इस SUV में टोयोटा इनोवा का 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है जो कि 166 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है। ये दोनों इंजन आपको 6 स्पीड की मैनुअल और 6 स्पीड की ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन के साथ मिलेंगे। इस SUV में आपको मल्टी ड्राइविंग मोड्स के ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं और ये SUV आपको फ्रंट व्हील ड्राइव भी मिलेगी। इसके बाद अगर हम इसकी इंटीरियर की बात करें तो मारुति सुजुकी की 7 सीटर SUV में आपको 3 रोज के ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि ये गाड़ी आपको 7 सीटर और 8 सीटर के ऑप्शन में मिलने वाली है। इंटीरियर में आपको न्यूली डिजाइन डैशबोर्ड, टोयोटा की बैजिंग के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद माउंटेड बटन्स, 9 इंच तक का टच स्क्रीन सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले विद इनबिल्ट नेविगेशन, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, 6 स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, ऑल सीट्स विद हेडरेस्ट, रियर AC वेंट्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग मोड, लार्ज बॉटल्स एंड कप होल्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, लेन चेंजिंग कैमरा। ऐसे शानदार फीचर्स टोयोटा और मारुति से लॉन्च होने वाली 7 सीटर SUV के इंटीरियर में आपको मिलने वाले हैं। अगर हम इस 7 सीटर SUV के सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको हाई स्टेंस स्टील बॉडी, ऑल एयरबैग्स, मल्टी एंगल रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, एंट्री लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिक्लाइन कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर विद कैमरा, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद प्री टेंशनर, जैसे शानदार सेफ्टी की फीचर मारुति की इस 7 सीटर SUV में आपको मिलने वाले हैं। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार 15 से 16 लाख रुपए से शुरू होकर 22 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद है जो कि इसकी एक शोरूम कीमत होने वाली है। दोस्तों आप हमें बताएं कि मारुति सुजुकी की 7 सीटर SUV आपको कैसी लगी और क्या लगता है ये गाड़ी आपको टोयोटा इनोवा और MG एक्टर जैसी शानदार 7 सीटर SUV कारों को कड़ा मुकाबला पेश करेगी या नहीं करेगी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना यार, कमेंट भी कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।